हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नेभास किचन। तो हमने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन में क्यों ना घर में ही मिठाई बनाई जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बाहर की मिठाइयाँ अभी सेफ नहीं है। तो इसके लिए हमने रोस्टेड चने को पीसकर और उससे बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाई है। तो आइए उसकी रेसिपी देखते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी दोस्तों, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं ये हम अब देखेंगे। तो इसके लिए आप एक मिक्सी जार में पहले एक कप कोकोनट डालें, एक कप चीनी डालें और 8 से 9 बादाम डाल लें। उसके बाद इसको पीस कर और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लें। उसके बाद इसको इस तरह से छान लें जिससे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल फाइन हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा आपके इस शुगर पाउडर का। उसके बाद आप रोस्टेड चने लें और उसको भी मिक्सी में इस तरह से पीस लें और उसको भी सेम आप छन्नी में इस तरह से छान लें ताकि उसका भी पूरा टेक्सचर पूरा एकदम फाइन पाउडर आपको मिल जाए और जो भी मोटा पार्टिकल होगा वो आपके इस छलनी में ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फिल्टर कर लें। उसके बाद हमारा जो हमने शुगर पाउडर तैयार किया था उसको इसमें मिला लें। अब जब इसको मिला लें उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे 4 टेबलस्पून मिल्क डालें और इसको इस तरह से अच्छे से मिला लें। अब इसमें इलायची कूट कर भी डाल लें और 2 टेबलस्पून घी डाल लें। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिलाएं इस तरह, और सब कुछ जब तक अच्छे से मिल ना जाए तब तक आप इसको मिला लें। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके इसका डो बना लें और ये बहुत ही अच्छे से आपका बन जाएगा आराम से। तो इसको आप इस तरह से डो फॉर्म कर लें और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स आप और भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हों आप सारे इसमें पीस कर और आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक कंटेनर ले लिया है और उसको इसमें घी से ग्रीस कर लें और उस पर बटर पेपर रखें और बटर पेपर पे भी थोड़ा घी लगाकर और ग्रीस कर लें ताकि आपका जो बर्फी है वो कंटेनर से स्मूथली बाहर आ जाए। तो अब हमारा जो डो था उसको इसमें अच्छे से रखें और इसमें शेप दे दें। अब हमारा ये बहुत ही इसको अच्छे से पूरा सेट कर लें, पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लें और बर्फी का शेप दे दें। अब देखिए इस तरह से हमने स्पून की मदद से कर लिया है। आप स्पैचुला या किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको इस तरह से सेटल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें मस्कमेलन सीड्स और पिस्ता के कुछ पिस्ता दाने डाले हैं। तो हमारे ये पूरी तरह से रेडी हैं और इसको भी हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब जब ये इसको 10 मिनट के लिए आप रेस्ट करने भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप एक प्लेट लें और उस पर हमारा ये जो कंटेनर है उसको इस तरह से पलट लें। तो ये देखिए अब हमारा ये पिस्ता बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको आप पलटेंगे तो इसमें घी लगा हुआ है तो ये आराम से निकल जाएगा पूरी अच्छे तरीके से। अब इसमें से आप बटर पेपर निकाल लें और हमने इस तरह से बटर पेपर निकाल लिया है और देखिए ये कितना सुंदर और कितना अच्छा सा शेप आ गया है हमारे बर्फी। अब हम बर्फी को इस तरह से नाइफ की हेल्प से और कट कर लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से काट लिया है स्क्वायर शेप में, आप चाहें तो किसी भी शेप में काट लें। और हमारे बर्फी पूरी तरह से रेडी हैं और आप इसको इस तरह से सर्व करें, एक प्लेट पर अच्छे से सजा लें और इसको सर्व करें। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और 2-3 दिन तक आप आराम से उसको खा सकते हैं। तो आप इंजॉय करें और ये बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुए।